नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। करीब 160 बीघे में लगी गेहूं की फसल में आग, जिसकी वजह से ये फसल जलकर राख हो गई। प्रदेश भर से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसल में आग लगी है। गेहूं की फसल जलने से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। किसान की कमर टूट गई, क्योंकि 5-6 महीने की पूरी मेहनत आप देखिए कुछ मिनटों में जलकर राख हो गई। तो ये तस्वीर हमीरपुर की दिखा रहे हैं, गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हालांकि एक शासनादेश की बात कही जा रही है कि विद्युत विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सतर्कता का आलम क्या है, लापरवाही किस तरीके से आग लगा रही है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। हमीरपुर की तस्वीर है, जहां पर गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। करीब 160 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। और हमीरपुर जैसी तस्वीर अमेठी से भी आई है, जहां पर आग ने तांडव मचा दिया। खेतों में लगी गेहूं की फसल में भीषण आग। करीब 200 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के सहारे आग पर काबू पाया गया। तिलोई तहसील के भीखनपुर और नारायणपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो आप देखिए अमेठी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी भीषण आग लगी और देखते ही देखते 200 बीघे में गेहूं की जो फसल थी वो जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जब गेहूं की फसल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने का कोई मतलब इसलिए नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्वलनशील पौधे होते हैं गेहूं के, और पलक झपकते ही पूरा का पूरा इलाका जलकर खत्म हो जाता है। ऐसे में जितनी देर में फायर ब्रिगेड को कॉल होता है, उतनी देर में तो फसल स्वाहा हो चुकी होती है। कानपुर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। दमकल के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। घाटमपुर कोतवाली के जहांगीराबाद गांव के पास की घटना है। तो हमीरपुर अमेठी के बाद अब कानपुर की भी तस्वीर देखिए। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई। दमकल के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण आग को रोकने की कोशिश की जाती है कि जहां आग लगी है उससे बाकी की फसल का संपर्क काटा जाए, लेकिन इतनी तेज गेहूं की फसल जलती है कि सब कुछ देखते ही देखते जलकर राख हो जाता है। तो कानपुर में भी ऐसी तस्वीर सामने आई। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग में हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पिलर से टकरा गई और बड़े हादसे में बाल बाल कार सवार युवक युवती बच गए। युवक पर नशे में कार चलाने का आरोप है। सड़क किनारे लगी करीब 12 पिलर तोड़कर पेड़ से कार टकरा गई। ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग का मामला, आप देखिए कार की हालत देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार क्या होगी और किस तरीके से भिड़ंत हुई है। हालांकि गनीमत की बात रही कि जो इसमें युवक युवती थे वो सुरक्षित हैं, वो बच गए, लेकिन कार की हालत जो बता रही है, जो 12 खंभे तोड़ते हुए आगे बढ़ी, कि कार बड़ी रफ्तार में रही होगी, ये भी आशंका जताई जा रही कि युवक नशे में था। तेज रफ्तार कार पिलर से टकराई और युवक करीब 12 पिलर्स को तोड़ते हुए पेड़ में कार को टकरा देता है। वहीं सीतापुर लखनऊ एनएच पर बस हादसे का शिकार हुए। रोड बस अनियंत्रित होकर रेहड़ी पर चढ़ गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। कमलापुर इलाके के चौराहे पर यह हादसा हुआ है। तो अनियंत्रित बस थी और ये जाकर रेहड़ी से टकरा गई। सीतापुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। कमलापुर इलाके के चौराहे पर यह घटना हुई है। और अब बात करते हैं मेरठ की, जहां पर हसनापुर में 2 पक्षों में बवाल हो गया। हत्या के आरोपियों के घर में आगजनी और पथराव हुआ है। विशु के अंतिम संस्कार के बाद गुस्साई भीड़ ने आगजनी कर दी। आगजनी के बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल। आईजी नचिकेता झा और एसएसपी रोहित सिंह सजवाल मौके पर पहुंचे। हसनापुर के पलड़ा गांव में कल विशु की हत्या हुई थी। बदमाशों ने विशु नाम के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुरानी रंजिश में हत्या के बाद आरोपियों के घर पर हमला हुआ था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का हमला हुआ, और पुलिस अब कॉम्बिंग कर रही है वहां पर, और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद जो पीड़ित पक्ष के लोग थे उन्होंने हमला कर दिया था आरोपियों के घर पर, और ऐसे में अब कोई बड़ी घटना में ये तब्दील ना हो जाए, इसलिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर हैं।
आईजी नचिकेता झा और एसपी रोहित सिंह सजवाण मौके पर पहुंचे। हसनापुर के पलड़ा गांव में कल विशु की हत्या हुई थी। बदमाशों ने विशु नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगर थोड़ी चूक होती है तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हत्यारोपी के घर पर आगजनी कर दी गई, हंगामा कर दिया गया, भीड़ ने हमला कर दिया था। वहीं मौके पर पुलिस बल अब लगा दिया है। आईजी और जो एसएसपी थे उन्होंने जाकर खुद मार्च निकाला, वहां पर कॉम्बिंग की फ्लैग मार्च किया गया ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। इसमें ये मिक्स समुदाय के, क्योंकि इसमें जो नामजद हैं वो दूसरे समुदाय के भी हैं और साथ ही साथ जो है एक समुदाय के भी हैं। चलते अभी जो हत्या की वजह है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस की हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं जो पूरे घटना। और अब बात यूपी में निकाय चुनाव की, जिसकी रणभेरी बच चुकी है। तो निकाय का चुनाव का ऐलान होते ही उम्मीदवारों पर और उम्मीदवारी पर चर्चाएं तेज हो गई। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, भाजपा के 14 में से 11 मेयर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट कट सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा बनारस की मेयर मृदुला जायसवाल का भी टिकट कट सकता है। कानपुर से प्रमिला पांडे, जो कि बेहद एक्टिव रहती हैं, जनता के बीच रहती, लेकिन जानकारी मिल रही कि उनका भी टिकट कट सकता है। इनके साथ ही आगरा के मेयर नवीन जैन का टिकट कट सकता है। ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर हैं, जमीनों को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ था उस पर उन पर गाज गिर सकती है, वो एक कारण हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले जो खबर है, ये तमाम चेहरे और नाम हम आपको बता रहे हैं। प्रमिला पांडे जो कि कानपुर की मेयर, इनका टिकट कट सकता है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया का भी टिकट काटा जा सकता है। तो यानी कि सीताराम जायसवाल गोरखपुर के मेयर है, इनका भी टिकट कट सकता है। तो 80% जो मेयर हैं उनके टिकट पर संकट है। संजीव वालिया सहारनपुर के मेयर हैं, इनका भी टिकट कट सकता है। मुकेश चारिया मथुरा के मेयर हैं, इनका भी टिकट कट सकता है। आशा शर्मा गाजियाबाद की मेयर हैं, इनका भी टिकट काटा जा सकता है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर, यानी कि जो अभी वर्तमान मेयर हैं उनमें से 80% को टाटा बाय बाय उम्मीदवारी से किया जा सकता है। वही निकाय चुनाव ईवीएम से करवाने पर मायावती ने आपत्ति जताई है। मायावती ने बैलेट पेपर से सभी चुनाव कराने की मांग की है। सरकार पर उन्होंने आरक्षण के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। बैलेट पेपर से निकाय चुनाव हो, ये मांग की है उन्होंने। मायावती ने मांग की है कि ईवीएम से निकाय चुनाव ना कराया जाए, निकाय में फ्री और फेयर चुनाव कराने की मांग बसपा सुप्रीमो ने की है। उन्होंने ईवीएम से चुनाव पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जो आरक्षण है उस पूरी प्रक्रिया को भी छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। नगर निकाय के चुनाव अर्थात नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसका बीएसपी स्वागत करती है। साथ ही ये भी उम्मीद करती है कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से ना करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। चुनाव में एससी एसटी ओबीसी व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं तो उसमें काफ़ी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है, ताकि इसका काफ़ी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके।
निकाय चुनाव में पहले यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा माने जाने वाले राजकिशोर सिंह और उनके भाई ब्रजकिशोर सिंह को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। अपनी राजनीति का लोहा मनवाने वाले राजकिशोर सिंह अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। इसी दल में रहता है व्यक्ति, लेकिन तमाम लोगों के व्यक्तिगत संबंध और पूरा देश और पूरा प्रदेश ये जानता था कि हमारे छोटे भाई हैं डिंपल, उनके जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उनके रिश्ते थे और आज भी उनके रिश्ते हैं। तो इसको देख करके अगर कोई पार्टी से किसी को निकाले, हमें निकाले या डिंपल को निकाले, तो उनका सौभाग्य है कि उनका दुर्भाग्य है ये भगवान जाने, लेकिन हमें इसमें कुछ और नहीं कहना है। उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। बसपा में मैं शुरू में रहा ऐसा सही है, और एक बार कम उम्र थी मैं बसपा से चला गया था जब सरकार गिरी थी, समाजवादी पार्टी में उसमें गया था। और आप जानते हैं समाजवादी पार्टी में भी मेरा तो कोई दोस्त था नहीं, देखे होंगे तमाम तरीके से, और उसमें कहीं कोई गुमराह होकर के पार्टी से निकाला या पार्टी से बर्खास्त करे तो उसे हमें कोई लेना देना। हमारा काम है मेहनत करना, जनता की सेवा के लिए आए हैं तो जनता की सेवा हम लोग करते हैं। एक आखिरी सवाल, राजकिशोर सिंह इधर चलते हैं भीड़ उधर चलती है कहा जाता है, तो अब अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? अब अगला कौन सा ऐसा पड़ाव है जहां पर 2024 के चुनाव में आपको लोग देखें? देखिए जो कार्यकर्ता हमारा चाहेगा, क्योंकि हम आप जानते हैं हमारे लोग कितने लोग, हम किसी को अपना कार्यकर्ता केवल नहीं मानते, भाई और परिवार की तरह तरीके से हमारे जितने लोग हैं, आप देखते होंगे मेरा प्यार और स्नेह उनके प्रति या उनका प्यार स्नेह मेरे प्रति। देखिए इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि महागठबंधन में न हम हैं, न हम बसपा में हैं, न हम बीजेपी में हैं, तो इस पे हमारा कटाक्ष करना कोई छोटी वो बड़ी बात हो जाएगी। और इन सब के बीच अतीक अहमद के परिवार को लेकर भी मायावती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अतीक के परिवार से किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा, बसपा अतीक के परिवार से किसी को टिकट नहीं देगी, शाइस्ता के बसपा में बने रहने पर बाद में फैसला होगा। उन्होंने कहा कि बसपा कानून का सम्मान करती है और बसपा कानून के हिसाब से ही काम करती है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का प्रत्याशी बना दिया था बसपा ने, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन की नामजद रिपोर्ट और फरारी के बाद यह फैसला बसपा ने लिया है। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहाँ मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहाँ तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। और मायावती के परिवार को टिकट न देने पर जया पाल बोली है, टिकट नहीं देने पर मायावती को धन्यवाद, शाइस्ता को मायावती पार्टी से निकालें, मायावती का मैं आभार व्यक्त करती हूं। तो जया पाल ने बयान दिया है। उमेश पाल की मां ने भी शाइस्ता को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। गंगा से बातचीत की थी, मायावती जी से अपील की थी कि वो जो है उनको अतीक अहमद के परिवार को टिकट ना दें। अब उन्होंने आपकी बात को सुन लिया है, उन्होंने कह दिया है कि हम टिकट नहीं देंगे, क्या प्रतिक्रिया आप लोग? पहले तो मैं बहन जी का धन्यवाद करती हूँ, और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगी कि जो है बहन जी मेरी बात को एक बार आप और ध्यान दीजिएगा कि जो सदस्य आपसे टिकट मांग रहे हैं उन्हें आप उनको टिकट तो दीजिएगा ही नहीं, और दूसरा उनको अपने जो है दायित्व से उनको खत्म कर दीजिए। आपका कहना है कि जो मायावती की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा, तो जांच पूरी होने तक उन्हें कम से कम पार्टी से सदस्यता से निलंबित कर दें, और अगर वो बेगुनाह पाई जाती तब फिर ले लें वो जो। अभी तक आपने उमेश पाल हत्याकांड में देखा ही है कि इससे बड़ा सबूत क्या है, आदमी है, बेटा है, देवर है, भौजाई भी आ गई, अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल हो ही रहा है, आप अच्छी तरह से सब कुछ देख ही रहे, तो
अब मेरे तरफ से न्याय कीजिए कि उनको पार्टी से बाहर भी निकाला जा सके। कम से कम उन्हें निकालेंगे तो हमारे समाज के लोग आप पर आभार व्यक्त भी करेंगे, हम भी आभार आपके लिए आभारी हो जाएंगे। उमेश पाल जी की माता जी भी साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आप बातचीत में कह रही थी कि मायावती को चाहिए कि वो अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट ना दे, ये बात तो आपकी पूरी हो गई, अब क्या चाहती? ये चीज़ मुझे सुन करके, मायावती जी का आवाज़ सुन के मुझे बड़ी अत्यंत खुशी मिली है कि उन्होंने ये चीज़ अपने मुँह से बताया कि उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। मतलब आप लोगों का कहना है कि मायावती ने जो ये कह दिया है कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन शाइस्ता परवीन को पार्टी से निकालने ये भी मांग आप? हाँ, ये मांग तो मैं कर रहा हूँ ना कि जैसे उनको पार्टी में रखा था, टिकट दिया था, उनको अपनी पार्टी से निकाल दें, ताकि उनका पार्टी से निकालने से उसका नाम ख़त्म हो जाएगा, समाज के बीच में ये मैसेज पहुँचेगा कि बहन जी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया है, और आगे सबको ये खुशी मिलेगी, इसलिए कि ये गुंडा माफिया हैं और गुंडा माफिया के परिवार वालों को, किसी भी परिजन को वो टिकट ना दें। निकाय चुनाव के लिए गाजियाबाद में 17 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। 17 अप्रैल तक नाम वापसी लिए जा सकते हैं। गाजियाबाद में मेयर सीट महिला घोषित हुई, हालांकि मेयर सीट पर भाजपा का कब्जा है। हमारे सहयोगी शक्ति सिंह ने उम्मीदवारों का मिजाज भापने की कोशिश की। चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपका पार्षद कैसा हो, आपका मेयर कैसा हो, जनता वोट की चोट के लिए तैयार है। किस तरह का मेयर हो, किस तरह का पार्षद हो आपका, जो आपकी समस्याएं सुन सके? मेयर और पार्षद इस प्रकार का होना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी उसके दरवाजे पे जाए तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। जो है अगर कोई विरोध भी करता तो उसकी बात को सहजता से सुना जाना चाहिए, उसके ऊपर जो है प्रतिघात नहीं होना चाहिए। जो है और जो है योगी और मोदी जी के जो कार्य हैं, उन कार्यों को देखते हुए आम जनता भाजपा को वोट देने के पूरे जो पक्ष में है और वोट देती भी है। पार्षद यहाँ का जो है सबकी क्षेत्र की जो जनता है उसका जो है सबकी समस्याओं को सुने और सबके कार्य करे, ऐसा पार्षद होना चाहिए। और मेयर जो है कहने में भाई मेयर तक कोई पहुँच नहीं पाता, न जाए तो कम से कम वो नीचे के जो हैं पार्षद हैं उनको टाइट करें और काम कराएं। कुछ काम हुआ है, कुछ काम रह गया हो? योगी मोदी जी के राज में काम हो रहे हैं, जो भी विकास होता है मतलब पूर्ण रूप से हो नहीं पाता। वो भाई नाला बना तो नाले के बगल में खड़ंजे वो जो लगते हैं टाइल्स वगैरह वो नहीं लगी, सड़कें बनी तो उसके बगल में टाइल नहीं लगी। नाला बना है, नाले के साइड में रोडें बनाई, रोडों के जो भी खड़ंजे वो कागजों में पूरे हो गए लेकिन यहाँ कॉलोनी में नहीं डले। पीने का पानी, नाली सफाई करने वाला कोई आता नहीं। पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है पीने के पानी की। पानी का ज्यादा हमें सबको दिक्कत है, भर जाता है, हम बहुत परेशान हैं। सारा कचरा हमारे दरवाजे पे आकर लग जाता है। कुछ वृद्ध लोग हैं, उनकी पेंशन भी की सुविधा नहीं है, कुछ लोगों की पेंशन भी नहीं बनी आधे से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं यह चुनाव बहुत ही अहम है शहर के लिए, लेकिन जो यहाँ के मतदाता है वो काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। गोरखपुर में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। गोरखपुर में पहले चरण में 4 मई को निकाय चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग्स को हटाया गया है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बिगुल भी बज चुका है। और गोरखपुर की अगर बात करें तो आचार संहिता लगते ही देखिए बैनर और पोस्टर जो हैं प्रत्याशियों के, पार्टियों के, उनको उतारने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आगे आप देख सकते हैं कि कुछ होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो पुराने होर्डिंग्स हैं और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। और गोरखपुर की अगर बात करें तो नगर निगम में लगातार 3 बार भाजपा के प्रत्याशी लगातार जीतते चले आ रहे हैं और इस बार सीट अनारक्षित हुई है। सीट अनारक्षित होने के बाद से अब मुकाबला कड़ा हो गया है और लगातार जो दावेदार हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर नगर निगम में 10.5 लाख के करीब वोटर हैं और इसके साथ ही 11 नगर पंचायतें हैं। 11 नगर पंचायतों के अलावा 80 वार्ड हैं, चूँकि 10 वार्ड बढ़े हैं गोरखपुर में। और अब आज से होर्डिंग उतारने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अब काउंटडाउन शुरू होने के बाद से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कमर कस लिया है और लगातार अब
चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।